जी भाई, अभी जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है सर, जो अभी आज कुछ सुनने में आ रहा है, तो कुछ बता दीजिए उसके बारे में। आपके फैंस आपका वेट कर रहे हैं, कुछ आपका स्टेटमेंट आ जाए। सबसे पहली बात तो मेरे सभी मेरे फैंस को बहुत थैंक यू कि वो हमेशा हर बात पे मुझे सपोर्ट करते हैं। कंट्रोवर्सी कोई भी जानबूझ के नहीं करता है, हो जाती है। मैंने तो गाना बनाया था पूरी मेरी मेहनत और श्रद्धा से, बट कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उनको वो जो माता का जो नाम था वो उनको यूज़ करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने गाने को हटा दिया है। अब 4-5 दिन में चेंजेस करके मैं नया फिर से जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा। बट मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि कोई भी मुँह उठाकर कुछ भी बोल देता है, गालियाँ देते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे परिवार वालों को, मेरे परिवार वालों की क्या गलती है, उन्होंने कुछ नहीं किया है ना। सो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुँह उठा के कुछ भी बोल देता है। अभी मुझे एक मैसेज आया, मैं तुझे जान से मार दूंगा, और बट क्या ही जवाब दें ऐसी बात। देखिए सर, सॉन्ग तो बहुत बढ़िया चल रहा था, 1 मिलियन के आसपास कुछ पहुंच गया था। 5 मिलियन के आसपास कुछ पहुंच गया था। एंड जैसे कि आप जानते हैं, अगर थोड़े बहुत उसमें पैसे डालें तो उसमें 50 मिलियन बहुत आसानी से कर सकते हैं। नहीं, बाकी लोग करते हैं, बट मतलब वो पता है क्या है, वो पता है कि मुझे, मैं बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, खुद को भी बेवकूफ़ बना रहा हूँ। बट आई थिंक आई बिलीव इन ऑर्गेनिक कॉन्टेंट, जो लोगों को जितना पसंद है उतना उसको पसंद करें। बट माई ओनली थिंग इज, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग कुछ भी उठा कर किसी को कुछ भी बोल देते हैं। you know, कोई भी आर्टिस्ट जानबूझ के, तो यार किसी को, मेरा मन थोड़ी, मकसद थोड़ी किसी को भी हर्ट करूँ। और मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा ही, कभी भी मैं नहीं चाहता हूँ। बट थोड़ा सा लोगों को भी ना समझ के थोड़ा सा एक वो रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया है तो पता है कि सामने तो आने वाले है नहीं, कुछ भी मुँह उठा के बोल दो। सो आई डोंट लाइक दैट। सर, और आपकी और निया जी की जोड़ी को भी ज़्यादा कुछ तो पसंद कर रहे दर्शक? या निया इज़ डन अ ग्रेट जॉब, शी इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। आई लाइक जिस तरह की एनर्जी उन्होंने लाई है इस वीडियो में, एंड मैं बहुत खुश हूँ एज एन आर्टिस्ट, मैं बड़ा खुश हूँ। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, मैं इसको ज़्यादा तुल नहीं देना चाहता, बट हाँ मतलब मेरे फैमिली वाले उनको अच्छा नहीं लगता है। बिग बॉस फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं, मैं अभी तक फॉलो नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरा गाना आया, फिर ये सब हो गया, तो मैं इन सब चीज़ों में बिजी था। एंड आप सब लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्र। थैंक यू भाई, फोटो नहीं मिला सर।